तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना खुद का एक टेलीग्राम बॉट बना सकते हो और उसको आप लोग अपने ग्रुप या फिर किसी भी जगह पे ऐड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग भाई जाओ, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक है, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो टेलीग्राम बॉट को बनाने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बॉट का टोकन हासिल करना, ठीक है। आप एक न्यू बॉट बनाने जा रहे हो, उसका टोकन आपको कैसे मिलेगा। आपको सिंपल से टेलीग्राम के ऊपर चले जाना है। टेलीग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको बॉट फादर को, ठीक है। मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया। और एक चीज याद रखिएगा कि बॉट फादर के आगे ये ब्लू टिक होना चाहिए, वरना बहुत सारे फेक बॉट फादर के अकाउंट हैं, आप लोग गलत अकाउंट पे मत जाइएगा। याद रखिएगा बॉट फादर का ऑफिशियल यहाँ पे यूजर नेम क्या है और ब्लू टिक यहाँ पे जरूर देखिएगा, तभी बॉट फादर को ऐड करिएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने बॉट फादर को सर्च कर लिया। बॉट फादर को सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट, ठीक है। जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे वैसे यहाँ पे काफी सारे कमांड आ जाएंगे, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रोल करना है और यहाँ पे देखिए दो सेक्शन दिया हुआ है, स्लैश न्यू बॉट का, स्लैश माई बॉट्स का। आपको क्या करना है, अभी एक न्यू बॉट बनाना है तो आपको स्लैश न्यू बॉट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि आप चलो न्यू बॉट बनाना चाह रहे हो, क्या आप लोग उस बॉट का कोई नाम रखना चाहते हो। अगर नाम रखना चाहते हो तो भाई एक नाम वहाँ पे चूज कर लो, ठीक है। बॉट का आपको कैजुअल एक नेम चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, GSM बॉट, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे नाम रख दिया GSM बॉट। ये मैं एक टेस्ट पर्पस के लिए बना रहा हूँ तो मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए नाम तो आप लोग कोई भी रख सकते हो, बट यहाँ पे अब इसने पूछा आपसे कि बॉट का एक यूजर नेम बताओ। यूजर नेम यूनिक होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो यूजर नेम चाह रहे हो कोई और यूजर नेम वो ले चुका हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम यूजर नेम क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और 100% मुझे श्योर है कोई ना कोई टेलीग्राम यूजर नेम ले चुका होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक यूनिक सा यूजर नेम लिखना होता है, फिर एक अंडरस्कोर लगाना होता है और अंडरस्कोर लगाने के बाद बॉट लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेलीग्राम लिखा मैंने और अंडरस्कोर लगाया, अंडरस्कोर लगाने के बाद मैं यहाँ पे बॉट लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये तो कोई यूनिक यूजर नेम है नहीं, ये तो कोई 100% ले चुका होगा। जैसे ही मैं इसके पास सेंड करूंगा ना, तुरंत यहाँ पे आप लोग देखोगे सॉरी दिस यूजर नेम इज इनवैलिड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिक यूजर नेम चूज करेंगे। अब क्योंकि मैं टेस्ट पर्पज से बना रहा हूँ तो मैं भाई अगड़म बगड़म कोई भी नाम लिख दूंगा, बट आप लोगों को आपके ग्रुप के हिसाब से कोई अच्छा सा नाम चूज करना होगा, सोच समझ के फिर आप लोग टाइप करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ GSM गुड बॉय, ठीक है। GSM गुड बॉय लिख दिया मैंने, ये एक यूजर नेम हो गया। बट अभी ये बॉट का यूजर नेम कैसे बनेगा, आपको अंडरस्कोर बॉट हर जगह पे लगाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर बॉट लगा दिया, ठीक है। ये मैंने अंडरस्कोर बॉट लगाया और वापस से अगर मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही ये यूजर नेम को यूनिक फाउंड करेगा तुरंत ये बोल देगा डन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू बॉट, ठीक है। यहाँ पे न्यू बॉट मेरा बन गया है। अब एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आप लोग किसी भी अनजान आदमी को, किसी भी ग्रुप में अपना ये जो बॉट का ये जो सेक्शन है ना, ये जो पूरा मैसेज आया है, इसे कभी मत शेयर करिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑथेंटिकेशन टोकन होता है। ये टोकन अगर किसी और के पास चला गया तो वो आपके बॉट को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मैं आपको ये टोकन दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बॉट को मैं अभी डिलीट कर दूंगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये टोकन तो मिल गया आप लोगों को, स्टेप वन हो गया हमारा पूरे तरीके से कम्प्लीट। अब देखिए स्टेप टू में लोग क्या करते हैं, ये जो बॉट फादर के पास से टोकन मिला है ना, इस टोकन को वो लोग अलग अलग बॉट्स के पास ऐड करवा देते हैं, ठीक है। और उन बॉट्स की शक्तियां बॉट फादर के बॉट के अंदर आ जाती हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। बॉट फादर के इस टोकन से आप लोग किसी भी दूसरे बॉट के अंदर, कोई भी दूसरा बॉट हो सकता है, ज्यादातर बॉट जो इसमें सपोर्ट करते हैं उन दूसरे बॉट्स के अंदर इस टोकन को डाल करके उनकी फंक्शनैलिटी अपने बॉट में ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक बॉट के अंदर इस टोकन को डाल के उसकी फंक्शनैलिटी अपने अंदर ले लूंगा। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा का पूरा ये जो सेक्शन इन्होंने दिया है ना मुझे, इसको मैं कर लूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, आप लोग बस मुझे फॉलो करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने कॉपी किया, अभी मैं क्या करूंगा बैक चला जाऊंगा। बैक जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का एक सेक्शन आ रहा है। अब सर्च के सेक्शन पे आप लोगों को क्या सर्च करना है, ग्रुप हेल्प बॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप, जैसे ही मैंने लिखा
यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, यहाँ पे ग्रुप हेल्प बॉट मेरा आ चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि ओरिजिनल और फेक में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका यूजर नेम। कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरा कोई ग्रुप वाला हो जिसने एक फेक ग्रुप हेल्प बॉट बनाया और आप लोग उसको अपने बॉट के अंदर ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का होगा सेक्शन। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से सिंपल से स्टार्ट पे दबा देना है। ठीक है, अब जैसे ही स्टार्ट करोगे तो ग्रुप हेल्प बॉट क्या करता है, ये बोलता है कि क्या भाई आप लोग डायरेक्ट मुझे अपने ग्रुप में ऐड करना चाहते हो। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्ट भी ग्रुप में ऐड कर सकते हो, ऐड मी टू अ ग्रुप में जा करके। ठीक है, बट क्योंकि हम लोगों ने अपना बॉट फादर से खुद का एक बॉट बनाया है, खुद के एक नाम का बॉट बनाया है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्यों ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो भी शक्तियां हैं, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है, उसे अपने बॉट में डाल देंगे और अपने बॉट को फिर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करना है, वो जितनी भी चीज़ हम लोगों ने कॉपी की थी ना, आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ को सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको पेस्ट करोगे पूरा पूरा और यहाँ से सेंड कर दोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे थोड़ी देर के अंदर कुछ लोडिंग वगैरह चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोडिंग चल रहा है, अब लोडिंग चलने के बाद क्या हुआ, द बॉट जो भी इसका नाम होगा इज नाउ वर्किंग लाइक ग्रुप हेल्प। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपका बॉट है ना, वो अब कैसे काम कर रहा है, ग्रुप हेल्प बॉट की तरह वो काम करने लग गया है। मतलब उसके अंदर ग्रुप हेल्प बॉट की सारी फंक्शनैलिटीज आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया, आई होप सो। अब आप लोगों को क्या करना है, आपका जो बॉट है वो कैसे मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हो ये यूजर नेम है आपके बॉट का। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके अपने बॉट को ओपन कर सकते हो, या फिर इसी यूजर नेम को आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसके ऊपर स्टेप से टैप करूंगा, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग कि हमारा बॉट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना, अब आप लोग देखो जैसे ही मैंने अपने बॉट को स्टार्ट किया, ये बॉट दिखने में कैसा है, ग्रुप हेल्प बॉट की तरह। क्योंकि मैंने बताया ना, बॉट फादर से आपका जो टोकन मिलता है वो टोकन दूसरे बॉट्स की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने अपने बॉट के अंदर ग्रुप हेल्प बॉट को ऐड कर लिया है। आप समझ सकते हो आपका ये, बट रियलिटी में ये ग्रुप हेल्प बॉट ही है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसे ग्रुप में कैसे ऐड करना है, ऐड मी टू अ ग्रुप आ रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एक खुद का ग्रुप है और यहाँ पे कोई पब्लिक ग्रुप है जो मैं ऐड कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने ग्रुप पे इसको टैप करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अपने ग्रुप के ऊपर टैप किया ना, तो काफ़ी सारे मुझे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को अलाउ करना पड़ेगा। क्यों अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो बॉट है ना, वो आपका जो ग्रुप होगा उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा और सारे काम वो खुद से कर लेगा, अगर आप इसको सही से सेटअप करते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से जो सबसे ज़रूरी ऑप्शन है ना, उनको सबसे पहले यहाँ से इनेबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो मैनेज ग्रुप वाला है, चेंज ग्रुप इन्फो, डिलीट मैसेज, बैन यूज़र, इनवाइट लिंक, पिन मैसेज और मैनेज लाइव स्ट्रीम, एड न्यू एडमिन, ये अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, रिमेन एनोनमस, ये भी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं इसको इनेबल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने बॉट के लिए कस्टम टाइटल दे सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कस्टम टाइटल दे सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो बिल्कुल मत देना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका बॉट आपके नाम से ही यहाँ पे ऐड होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि भैया आप अपने ग्रुप के अंदर इस बॉट को एज अ एडमिन ऐड करना चाह रहे हो क्या। तो मैं जैसे यहाँ पे कर दूंगा ऐड एज अ एडमिन। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग अपना खुद का एक बॉट कैसे क्रिएट कर सकते हो, प्लस इस बॉट को आप लोग कैसे अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। अब एक प्लस पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो ग्रुप हेल्प बॉट था, हम लोगों ने इसके अंदर पूरा सेक्शन ऐड किया है ना, वो पूरे सेक्शन की मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले से ही बना रखी है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपने बॉट को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाओ, उसके सारे फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाओ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही है वो, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। प्लस एंड स्क्रीन पे टेलीग्राम के बॉट्स की पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप लोग जाकर के उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। और मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।